अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग आइडियाज़ विद सोनू। आज मैं अपने लिए क्या हूँ शर्ट की कटिंग करना ऑल साइज़ बताऊंगी कि मैं एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट की कटिंग कर रही हूँ, किस तरह से कटिंग करूंगी आपको बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। इसके सेंटर में लेस लगाऊंगी, पैनल वाली ये शर्ट बनाऊंगी, 3 पैनल वाली मैं ये शर्ट बनाऊंगी, तो ये कुर्ती हमारी बनेगी। तो मैं इसकी कटिंग करना बताऊंगी, किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, किस तरह से हम इसकी मेजरमेंट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी इसी वीडियो में, तो वीडियो पूरी वॉच करिएगा। तो ये देख लें, बस ये हमारे पास स्लीव है जिसको मैं साइड पर रख देती हूँ। अब उसके बाद ये देख लें, बस ये हमारे पास शर्ट का फ्रंट का हिस्सा है, ये हमारे पास इस तरह से रेडीमेड मिल जाता है। तो ये देख लें, बस इस तरह से इसके 3 पीस हुए हुए हैं इस तरह से। अब मैं आपको इसको बताऊँगी किस तरह से हम इसके ऊपर लगाएंगे, इसके सेंटर में हम लैस लगाएंगे, किस तरह से लैस लगाएंगे, किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, किस तरह से हमारी ये परफेक्ट बनेगी, तो ये मैं आपको सब बताऊँगी। तो ये देख लें, बस ये हमारा फ्रंट का जो हमारा पैनल है इस तरह से है, ये देख लें बस, इसको मैंने सेंटर करके इसके बाद मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इसके बाद ये देख लें बस, इसका बैक है, बैक बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। अब हम इसके बैक की साइड की भी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट का जो हमारा ये हिस्सा है इसकी हम मेजरमेंट करेंगे। तो ये देख लें बस, सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं भी मिला हुआ होता तो, लेकिन अगर आपको ये अपनी प्लेन शर्ट पे बनाना चाहते हैं तो इसी तरह आप बना सकते हैं, इसी तरह आप इसकी कटिंग करेंगे, इसी तरह आप इसकी मेजरमेंट करेंगे। अगर पैनल वाली शर्ट भी नहीं बनानी तो मैं आपको इसमें कटिंग करना बताऊँगी, किस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं अपनी कोई भी शर्ट या कुर्ती या कमीज़ पर। तो ये देख लें बस, इस तरह से हमें ये हिस्सा दिया गया है, पीस दिया गया है हमारी शर्ट का फ्रंट का हिस्सा। अब उसके बाद ये देख लें बस, अब हम इसके सेंटर में क्या करेंगे, ये देख लें बस, इस तरह से अगर हम इसको जॉइंट लगाना चाहें तो जॉइंट लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके सेंटर में सेंटर लेस लगाऊंगी। ये देख लें बस, जिस कलर की हमारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है उस कलर की हमने ये ले ली है, डार्क रेड कलर की हमारी पिंकिश शेड में हमारी ये लेस है, जिस कलर का हमारी ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये हमने लेस डाई करवा ली। अगर आप चाहें तो आप डाई भी करवा सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी मैटरिंग की लेस नहीं मिलती तो आप लेकर उसको डाई करवा सकते हैं ऑफ वाइट वाइट लेके। तो इस तरह से मैंने ये लेस ली कि इसको मैंने डाई करवा दी है। ये हमारी सेंटर की लेस है, इसमें बारीक बारीक से होल हैं, वो इसलिए हमने लिए ताकि हमारी ये सेंटर में लगे, बुरी ना लगे। फ्रंट की शर्ट पे भी हम लगाएंगे और बैक की शर्ट पे भी लगाएंगे। इस तरह से अब हम इसको साइड पे रख देंगे, जो हमारी साइड की हमारी ये पैनल है। अब उसके बाद हम इसका जो सेंटर का हमारा पैनल है, अब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो ये देख लें बस, इसकी हम मेजरमेंट कर लिए, इसकी जो लेंथ है ये 40 इंच है, लेकिन हमें 40 इंच नहीं चाहिए, हमारी शर्ट की लेंथ हमें 43 चाहिए, 44 चाहिए। इसके जो सेंटर की विड्थ है ये है 12 इंच। तो मैं आपको बताऊंगी इसकी लेंथ अगर कम पड़ जाए आपकी कुर्ती की तो आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद ये देखने वैसे हमारा बैक साइड है, सबसे पहले हम इसका फ्रंट का जो हमारा सेंटर का पैनल है वो सेम साइज़ का हम निकालेंगे। उससे पहले हम इसकी लेंथ ले लेंगे। तो ये देखने वैसे इसकी भी हम 40 इंच लेंगे, जो हमारे फ्रंट का साइज़ है वही हम बैक का लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे, ये देख लें बस, इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद हम इसकी 6 इंच लेंगे, 6 और 6 को हम प्लस करते हैं तो 12 इंच हो जाएगा। इस तरह से अब हमने इस तरह से हमारे जो फ्रंट की हमारे जो पैनल है इसको हम इस तरह से रखे, उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये देख लें बस, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है, इस तरह से हमारी ये 2 कलियाँ कट के तैयार हो गई हैं। उसके बाद हम नीचे का जो हमारा ये कपड़ा है इसको हम सेट कर लेंगे, इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया है। अब उसके बाद ये देख लें बस, बैक की जो हम 2 कलियाँ कट करेंगे वो इस तरह से करेंगे। तो ये देख लें बस, जो हमारा साइड से कपड़ा निकला था उसके बाद हम इस तरह से उसको फॉल करेंगे, उसके बाद हम इसकी सेंटर से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अब हमने इसकी सेंटर की कटिंग कर ली है। अब उसके बाद ये देख लें बस, ये हमारी कली इस तरह से कट गई हैं, बैक साइड की हमारी कलियाँ कट गई हैं। तो इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हमारी ये कट के तैयार हुई है। इस तरह से हमारी ये बैक साइड की कटिंग हो गई है, बैक साइड की हमारी कलियों की कटिंग हो गई है। उसके बाद इसके सेंटर में हम ये लेस लगाएंगे, सेंटर लेस लगाएंगे। अगर आपको ये सेंटर लेस नहीं लगानी आती तो मैं आपको सेंटर लेस लगाना बता दूँगी, शॉर्ट सी वीडियो बना दूँगी जिसमें अगर आपको ये नहीं लगानी आती तो मैं आपको तरीका बता दूँगी लगाने का। मैं इसमें बनाती तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर लिया। उसके बाद ये देखने बस, ये जो हमारा फ्रंट का हिस्सा है, फ्रंट के हिस्से भी हम इसी तरह सेंटर लेस लगाएंगे, बैक के हिस्से भी मैं लगाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखने बस, फ्रंट और बैक साइड भी मैंने इस तरह से इसके ऊपर सेंटर लेस लगा ली। ये देखने बस कितनी खूबसूरत फिनिशिंग से हमारी ये सेंटर लेस लग गई है। ये मैं आपको फ्रंट का हिस्सा दिखा रही हूँ, ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है शर्ट का।
इस तरह से हमने इसकी एम्ब्रॉयडरी को देख के इसके बाद हमने इसके ऊपर लगाया ताकि हमारा उल्टा सीधा और इसका जो डिज़ाइन है बिल्कुल सेम आना चाहिए। इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये सेंटर लेस लगा दी है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये करना होता है, अगर हमारी शर्ट पे जॉइंट होता है तो सबसे पहले हम इसका जॉइंट जोड़ते हैं, लगाते हैं, उसके बाद हम इसकी कपड़े को सेट करते हैं। सेट करने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने का यही तरीका होता है, अगर आप कटिंग करने के बाद फिर आप जॉइंट लगाते हैं तो आपके कपड़े में 19-20 आ सकते हैं, मिस्टेक होती है, उसके बाद आपके कपड़े की साइज़ की आउट हो जाती है। तो इस तरह से करने से आपकी शर्ट बिल्कुल सही और परफेक्ट कटिंग होगी और परफेक्ट आपकी शर्ट सिलेगी, कपड़ा आपका आगे पीछे नहीं होगा। ये तरीका आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। उसके बाद ये देखने बस ये हमारे दोनों हिस्से हमने इस तरह से इसको ज्वाइन कर लिया है, फ्रंट और बैक का साइड। इस तरह से ये हमारी ये सेंटर की लेस इस तरह से हमारी आ गई है, सेंटर के हमारे ये पैनल ज्वाइन हो गए हैं। अब हमने इस तरह से इसको रख लिया है। ये देखने बस एक दफ़ा फिर से देख लें ताकि आपको सही से समझ आए। अगर आप अपनी कटिंग करें तो बिल्कुल सही और परफेक्ट आपने कटिंग करनी है, मिस्टेक नहीं करनी। इस तरह से ये देखने बस ये हमारी शर्ट का गले की साइड है। सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, कपड़े की हमने सेंटर का इसका सीधा कर लेना है, कपड़े को हमने सीधा कर लेना है। इस तरह से कपड़े को हमने सीधा कर लिया है। उसके बाद हमने इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लिया इस तरह से। उसके बाद हम इसकी शोल्डर की मेजरमेंट करेंगे। शोल्डर की हमारी जो चौड़ाई है ये देख लेंगे, इसकी 8 इंच रखेंगे, क्योंकि ये हमारी शर्ट की जो लेंथ हम जो इसकी कटिंग कर रहे हैं ये हमारे एक्सल है, एक्सल लार्ज है। उसके बाद अगर आप स्मॉल साइज़ लेना चाहेंगे तो आप स्मॉल इसके साइज़ लेंगे 13 इंच, और अगर हम इसका मीडियम साइज़ लेते तो मीडियम साइज़ हम यहाँ रखेंगे 7.5 इंच पे, इस तरह से लगाएंगे ताकि तैयार 14 इंच पे है। इस तरह से अब उसके बाद 1/2 इंच हम बढ़ा के इस तरह से 8.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से हम लाइन को सीधा कर लेंगे। ये देखने बस हर इंसान की सिलाई करने का, कटिंग करने का एक अलग ही अंदाज़ होता है, तो मेरा एक अलग तरीका है तो मैं आपको उसी तरीके से बताऊँगी। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर निशान लगाया। उसके बाद इसके जो हमने शोल्डर की लेंथ ली थी, हमने जिस चौड़ाई ली थी 8 इंच ली थी, इस तरह से हमने इसकी 8 इंच ली थी। उसके बाद हमने इस तरह से लाइन को मिला लिया है। यह हमने 8 इंच लिया है। इस तरह से अब इस यहाँ भी हमने 8 इंच लिया है, और जो हमने इसका सेंटर का लिया था ये हमने लिया था 8.5 इंच। अब उसके बाद ये देख लें बस, अब हम इसका ये लेंगे जो हमारी कमर और हिप्स का हमारा जो यहाँ फासला होता है, कमर का हम यहाँ 7.5 इंच लेंगे, क्योंकि ये हमारी एक्स्ट्रा लार्ज है। अगर हमारा मीडियम या स्मॉल साइज़ होगा तो यहाँ हम 7 इंच लेंगे, यहाँ हमने 1/2 इंच बढ़ा दिया है। अब उसके बाद हम हिप्स का लेंगे, ये हम हिप्स का लेंगे 13.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये पहनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो 13.5 इंच पहनते हैं, 13 इंच पहनते हैं, 14 इंच पहनते हैं, 12 इंच पहनते हैं, ये सबके पहनने के ऊपर डिपेंड करता है। कि वैसे अगर आप इसका नॉर्मल साइज़ होता है वो 13 इंच ही होता है तैयार। उसके बाद अब हम इसका कमर का मेजरमेंट कर लेंगे। इसकी कमर हमारी है 23 इंच, तो 11.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद इसकी हिप्स है, हिप्स इसकी हम लेंगे 13.5 इंच पर हम इस तरह से लगाएंगे, क्योंकि इसके हिप्स है 27 इंच, 27 इंच का हाफ़ करेंगे हम। 27 इंच का हमने हाफ़ किया है तो 13.5 इंच है। एक बात नोट कर लें, अगर आपको बताऊं कि शर्ट की हम मेजरमेंट किस तरह से करते हैं, तो ये शर्ट की हम सेंटर पे रखे इस तरह से मैंने मेजरमेंट बताई। अगर आप अपने बॉडी पे मेजरमेंट करते हैं तो आप इसका 1/4 हिस्सा लेंगे इस तरह से। उसके बाद ये देख लें, अब हम ये 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले रहे हैं। उसके बाद अब हम निशान को मिला लेंगे, जिस शेप में हमने ये निशान लगाया था उसी शेप में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखे। उसके बाद हमने इसको मार्क कर लिया इस तरह से, इसका ये हमने मार्क कर लिया। उसके बाद हम इसके दामन का मार्क करेंगे, तो ये देखने बस जो हमारा हिप्स था 27 इंच, तो हम दामन भी 27 इंच लेंगे। जितना हमारा हिप्स का होता है साइज़, वही हमारा दामन का होता है इस तरह से। उसके बाद 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। इस तरह से हम दामन और हिप्स को आपस में मिला लेंगे। इस तरह से मैंने इसके ऊपर मार्क कर लिया है। इस तरह से हमने इसके ऊपर ये निशान लगा लिए, हमारे चाक, हिप्स, दामन के हमारे मेजरमेंट हो गए। अब मैं आपको आर्म होल की कटिंग करना बताऊंगी, किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, ये आप देख लें, समझ लें किस तरह से हम इसकी करेंगे। बैक एंड फ्रंट की हमारी अलग कटिंग होती है, वो मैं आपको बताऊंगी पूरे डिटेल से, ताकि आपको सही से समझ आए। काफ़ी लोगों को यह समझ नहीं आती, यहीं से सबकी मिस्टेक होती है, तो वो आप देख लें। सबसे ऊपर जो हमने निशान लगाया था वो देख लें। इस तरह से हमने लाइन को सीधा कर लिया था। उसके बाद देख लें हम क्या करेंगे, यहाँ बहुत ध्यान से देखेगा ताकि आपको सही से समझ आए और आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ज़्यादा लोगों से यही मिस्टेक होती, यहीं अगर आप कटिंग में गड़बड़ करते हैं तो आपकी सिलाई बिल्कुल सही नहीं होती। अगर आप बिल्कुल सही कटिंग करेंगे तो आपकी सिलाई भी बिल्कुल सही होगी। एक दफ़ा फिर से देख लें व्यूअर्स, मैंने इसके शोल्डर जो लिए थे 8 इंच लिए थे, उसके बाद हमने इसका चेस्ट 24 इंच लिया था, और हमने इस तरह से इसका 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा था। उसके बाद यहाँ जो हमारा ये कोने की साइड है, यहाँ पर हम 2 इंच लेंगे, क्योंकि हमारे ये लार्ज है, और अगर हमारे स्मॉल होता या मीडियम होता तो यहाँ हम 1.5 इंच पर निशान लगाते हैं। इस तरह से अब हम इसको
इस तरह से अब हम इसको रखेंगे, उस तरह से अब हम इसका हाफ ले लेंगे इस तरह से। बाकी हमारी कटिंग सेम है जो मैंने आपको बताया, सिर्फ कम साइज़ होगा। यहाँ हमारा बस ये होता है कि हाफ इंच हम कम लेंगे। तो इस तरह से अब हम इन निशान को मिला लेंगे। इस तरह से अब हमने इसकी गुलाई में इसको मिला लिया है। अब उसके बाद ये देख लें, बस पहले हम अपने गले की मेजरमेंट करेंगे। हमारे गले की जो हम ये रखेंगे, इसके हम बोथ नेक रखेंगे। तो इस तरह से अब हमने इसकी बोथ नेक का निशान लगा लिया अपने गले का। अब उसके बाद हम इसकी शोल्डर की साइड पे इस तरह से हाफ इंच हम निशान लगाएंगे आड़ा। ये देखने बस इस तरह से इसकी कटिंग इस तरह से होती है। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ हमने निशान लगाया वहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इस वजह से मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है, उसके लिए माजरत। अब उसके बाद ये देखने बस अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ हमने निशान लगाया है वहीं अब इसकी हम साथ साथ कटिंग करते जाएंगे इस तरह से। ये देखने बस हम अपने निशान के साथ साथ इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कपड़ा इसके ऊपर रखते गए हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर मार्क लिया है, सिलाई का हमने कपड़ा इसके अंदर रखा है। अब उसके बाद ये देखने बस जिस शेप में हमारी मार्क हुआ है, उस शेप में अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। तो ये देख लें बस अब हम इसके दामन की साइड भी जो हमारा कपड़ा है इसको हम सीधा कर लेंगे, दोनों साइड का आगे पीछे का, ताकि हमारे कपड़ा बिल्कुल सही हो जाए। इस तरह से हमारी ये शर्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको शर्ट की फ्रंट के हिस्से की कटिंग करना बताऊंगी, वो हम किस तरह से करेंगे। उसकी कटिंग अलग होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उससे करने से हमारे शर्ट पर एक अच्छा लुक आता है, स्टिचिंग बहुत अच्छी आती है, फिटिंग बहुत अच्छी आती है। उसके बाद ये देख लें बस, ये देखने बस शर्ट का हमारा ये फ्रंट का हिस्सा हम साइड पे कर देंगे और बैक का हिस्सा हम साइड पे कर लेंगे इस तरह से। बैक का हिस्सा हम अब हमने साइड पे कर दिया। उसके बाद ये मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, किस तरह से ये कटेगा। तो ये देख लें बस, ये बहुत ध्यान से इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरह से करने से हमारी कपड़े की शर्ट की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ। हमारे इस साइड पे झोल नहीं आता, आम हॉल की तरफ काफ़ी सारे लोगों के झोल आते हैं। अब उसके बाद ये देखने पर जहाँ हमने ये सेंटर का इंच टेप से हमने सेंटर का निशान लगाया था वहाँ हमने मार्क कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पौना इंच हम लेंगे इस तरह से। जहाँ हमने ये 2 इंच लगाया था यहाँ अब हम पौना इंच लेंगे इस तरह से। अब हम इस लाइन को इस तरह से गुलाई में मिला लेंगे। तो ये देखने बस इस तरह से हमने इसको गुलाई में मिला लिया। अब ऊपर की साइड से हम यहाँ से इसके ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कटिंग किस तरह से होगी। ये देखने बस इस तरह से अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। ऊपर की साइड पे भी हम इस तरह इसके ऊपर कटिंग करेंगे। ये देखने बस इस तरह से हमने ऊपर की साइड पर इसकी कटिंग कर ली है। इस तरह से हमने इसको लाइन को बिल्कुल सीधा कर लिया है। ये देखने बस इस तरह से हमारे फ्रंट के हिस्से की कटिंग हो गई है। इसी तरह आप कटिंग करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।